हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो क्या आपका भी फ़ोन पे मेन डिस्प्ले जो उस पर ऐड आता है तो उसका आज समस्या ख़त्म होने वाला है, उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। बने रहिए वीडियो में, पूरा एक एक बारी से आपको समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना बकचोदी किए हुए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो पहले हम समझ लेते हैं वो आखिर रहता कैसे है, वो है क्या चीज़। तो सबसे पहले जो भी हम गूगल में या क्राइम में जो भी ऐप है उस पर कोई भी आईडी अपना वेरीफाई करते हैं, अपना पर्सनल सब चीज़ ऐप में लॉकिंग करते हैं, तभी उसी के जरिए उसमें ऐड आ जाता है। मेन जो डिस्प्ले है कुछ भी करते हैं एक दिन में नहीं तो कम से कम 50 बार आएगा, वो ऐड आता है। तो एक मिनट में वो समस्या का हल हो जाएगा, बने रहिए वीडियो में। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, ये आईड आना शुरू हो गया है, अभी आ चुके हैं। अभी हम इसको बैक करते हैं। पहले सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट, ये ऐप मैनेजमेंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा ऐप लिस्ट, इस पर क्लिक करिएगा, ये दिख गया। अब इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, यू एन इंस्टॉल कर देना है, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये ख़त्म हो गया। अब आपका फ़ोन में कभी भी ऐड नहीं आएगा। याद रखिए जब भी आप इस फोन डार्क मोड में करिएगा फ़ोन को, तभी ये चीज़ दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो अभी ये पूरी जगह से ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है मुझे आपका समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब तक के लिए बाय।